उत्तर प्रदेश सरकार ने रिश्वतखोरी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए डिप्टी एसपी का डिमोशन करते हुए सब इंस्पेक्टर बना दिया है। जी हां, रामपुर जिले में तैनात रहे सीओ विद्या किशोर शर्मा पर 5 लाख रुपए घूस लेने के मामले में शासन स्तर पर ये कार्रवाई की गई है। दिसंबर 2021 में विद्या किशोर शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया था। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीओ को रिमूव किए जाने की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। सस्पेंड के बाद विद्या किशोर को पुलिस मुख्यालय से अटैच किया गया है। रामपुर में सीओ सिटी के पद पर तैनात रहे विद्या किशोर पर एक मामले में रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा है। इतना ही नहीं, उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद शासन स्तर पर जांच कराई गई। जांच में विद्या किशोर शर्मा पर घूस लेने के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सीओ को डिमोशन करते हुए सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात किया गया है। मामला कुछ यूं है कि रामपुर में तैनात रहे सीओ विद्या किशोर पर 5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप था। दिसंबर 2021 का यह मामला है, जिसमें एक महिला ने हॉस्पिटल संचालक और इंस्पेक्टर के ऊपर रेप करने का आरोप लगाया था। इस वक्त रामपुर में ही विद्या किशोर सीओ के पद पर तैनात थे। आरोप था कि इनके द्वारा 5 लाख रुपए घूस लेकर मामला रफा दफा कर दिया गया था। इस मामले का संज्ञान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। इसके बाद कार्रवाई भी की। कार्रवाई की जो रिपोर्ट थी उन्होंने सार्वजनिक करते हुए ट्वीट किया और जानकारी दी। इस मामले में जब जांच की गई तो जांच में जो सीओ थे वो दोषी पाए गए, क्योंकि झोले में पैसा ले जाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। अब सवाल उठता है कि जो सीओ थे, सीओ से सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात किए गए, इसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया। बात कुछ यूं है कि अब सब इंस्पेक्टर के पद पर जिस तरह से तैनात है, अब इनको सीओ रैंक तक पहुंचते हुए लगभग 10 से 12 साल लग जाएंगे, क्योंकि जब सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनेंगे फिर उसके बाद डिप्टी एसपी की रैंक पर पहुंचेंगे। फिलहाल इस मामले के बाद पुलिस अधिकारियों में भी हड़कंप है, क्योंकि घूसखोरी के आरोप अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है, इससे कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर भी एक भय का माहौल है। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से डिप्टी एसपी का डिमोशन किया गया, डिमोशन में जो आरोप भी पाए गए, निलंबित भी किया गया, अब जो अन्य पुलिसकर्मी हैं जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, जिनकी जांच भी चल रही है, क्या उनके ऊपर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल रामपुर के सीओ रहे विद्या किशोर अब सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात कर दिए गए हैं और उसके साथ ही निलंबित की कार्रवाई भी उनकी हो गई है। अब देखना ये होगा जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रही है, अभियान के तहत ये कार्रवाई भी है, इससे जो पुलिसकर्मी हैं उन पर क्या मैसेज पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट मानस मल्होत्रा के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत न्यूज़, लखनऊ।